और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के बीच अधिकारियों की अहम बैठक हो रही है। वेंकैया नायडू के साथ अधिकारियों की अहम बैठक चल रही है। बैठक में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। लोक भवन में हो रही इस बैठक में यूपी से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर चर्चा होगी। तो लखनऊ में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ अधिकारियों की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। लोक भवन में हो रही इस बैठक में यूपी से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर चर्चा होनी है। लखनऊ में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ अधिकारियों की अहम बैठक चल रही है, जिसमें आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। लोक भवन में ये बैठक चल रही है, जिसमें यूपी से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर चर्चा होगी। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। विवेक, इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है? देखिए, केंद्र की जो योजना है उनकी समीक्षा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री की तरफ से और उनके अधिकारियों की तरफ से वेंकैया नायडू और केंद्र के अफसरों को अवगत कराया जा रहा है किन चीजों की जरूरत है, क्या कुछ योजनाओं के लिए और पैसा चाहिए, पैसा कहीं रुका हुआ है, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है। खासतौर पर केंद्र सरकार की योजनाएं को लेकर के चिंता केंद्र सरकार की है कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में कई सालों से वो फंसी हुई है, उनको आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजों को डिस्कस हो रहा है। 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री ये दोनों संयुक्त प्रेस वार्ता करके इस मीटिंग के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विवेक। यूपी में अखिलेश यादव सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सीबीआई जांच से बचाने की कोशिश की थी। आरटीआई में खुलासा हुआ कि यादव सिंह को सीबीआई जांच से बचाने के लिए यूपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स को रखा था और इन पर 21,15,000 रुपए खर्च किए थे। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर की अर्जी पर यह जानकारी अब सामने आई है। नूतन ठाकुर की ही याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जो 16 जुलाई 2015 को पहली सुनवाई के दिन ही खारिज हो गई। अब नूतन ठाकुर की आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 4 सीनियर वकील हायर किए गए थे।